भमराहा बांध बना नहीं, किसानों को मुआवजा मिला नहीं, मंत्री ने भाषण दिया नहीं, नहरें बनी नहीं और लोकार्पण हो गया। मऊगंज विधायक ने लगाया आरोप प्रभारी मंत्री पर। हम आपको बता दें, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग भमराहा बांध का निर्माण करा रहा है जो अभी निर्माणाधीन है। जमीन का अधिग्रहण हो गया लेकिन मुआवजा नहीं मिला। किसान मुआवजे के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है, दूसरी ओर शासन लोकार्पण कर रहा है। नहर बनी नहीं है, ऐसे में लोकार्पण की क्या जल्दी थी? प्रभारी मंत्री को, नहर का सर्वे कहीं हुआ काम कहीं, बांध में सीपेज है, स्लूस गेट की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मऊगंज की जीवन दायनी का पूरी तैयारी से लोकार्पण करते मंत्री जी तो मऊगंज की जनता का मान होता, ना कि अपमान। मऊगंज विधायक ने रीवा दर्शन को बताया। कल मंत्री जी वहां पर पहुंचे, हमने उनसे कहा कि अभी तो बांध का बहुत सारा काम बाकी, नहरें अभी नहीं बन पाई और मुआवजे भी किसानों के नहीं होते, अभी इतनी जरूरत क्या है? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तत्काल सूचना आई है। मुझे भी ये लगा कि बमराहा बांध हमारे क्षेत्र में किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, किसानों का भी मुआवजा भी नहीं मिल पाया, नहरें भी इधर से उधर चलती हैं, तो मैं भी जा करके ये सब सारी बातें वहाँ पर रखूँगा। फिर हमारी बाढ़ सागर परियोजना का मामला काफ़ी दिन से चल रहा है, जिसके लिए मैंने कई बार आंदोलन भी कर चुके, मुझे आगे भी उस बात को बढ़ाना, ये भी सब सारी बातें रखूँगा। लेकिन जब मैं सुबह वहाँ से, मैं बाहर था, मैं बाहर से भर करके वहाँ जब मैं पहुँचा, मैं ठीक 11:30 बजे वहाँ पहुँचा, ये पता चला कि कैसे मंत्री जी आनंद आनंद कला सांसद थे, मंत्री जी थे। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने ये कहा कि मैंने बताया अभी जल्दी बताएंगे अभी आ रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बगैर भाषण हुए वहाँ से चले। तो मेरा कहना ये कि इस तरीके से उद्घाटन का क्या मतलब, जब कौन सी ऐसी जल्दी पड़ी, जब अभी बांध नहीं पूरा हुआ, जब अभी नहरें नहीं पूरी हुई, जब मुआवजे नहीं किसानों के मिले, और फिर जब कोई परियोजना बनती है, चाहे छोटी परियोजना हो, चाहे छोटी योजना हो, चाहे बड़ी परियोजना, जब कोई योजनाएं बनती है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे भवन का मामला हो, चाहे बंधे का हो, चाहे सिंचाई योजना, उसका सबसे पहले DPR बनता है। और जब DPR बनता हो तो उसमें सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं, चाहे मुआवजा निर्धारित हो, चाहे समय सीमा निर्धारित हो, चाहे उसका जो भी मतलब सारी चीज़ें निर्धारित हो। इसके बावजूद किसान चक्कर लगाते हैं, अब किसान कोर्टों में जा रहे हैं, मुआवजे नहीं हो पाए, इसमें किसकी लापरवाही? अब फिर ये सब सारी बातें न सामने आने पाए, इसके लिए जो है तो सुबह पहुंच करके अचानक उसका उद्घाटन कर देना, तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा, मेरे क्षेत्र के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।